A1. So here we are ready with the solution of the test 2. In the first, so 4 questions are very easy, that it was asked about the SI unit. First question, SI unit of distance. So we know that SI unit of distance is meter. SI unit of displacement, we also know that SI unit of displacement is also meter. Speed, meter per second, and velocity, meter per second. But now we are talking about question number 5. First question of 5 is not asked about SI unit, it is asked about commercial unit. Now what is the meaning of commercial? Commercial ko hum bolte hain sadharan bol chal ki bhasha mein, matlab ki vyaparik, matlab ki jo hum normally use karte hain. To jab hum koi bhi baat karte hain normally apne gharelu level par, to hum bolte hain ki ye bus itne ki speed se gayi ya ye gaadi itne ki speed se gayi, to aap khud bolte hain ki 40 किलोमीटर पर आर या 60 किलोमीटर पर आर या 70 किलोमीटर पर आर, आप उसमें क्या बोलते हैं, स्पीड को आप किस से यूनिट करते हैं, किलोमीटर पर आर. तो जो कमर्शियल मतलब साधारण बोलचाल की भाषा होती है उसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आर. आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9. अगेन इट वॉज ईजी. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Question number 10 and 11 is also the formula for that. Correct relation for speed is distance upon time, and the correct relation for velocity is displacement upon time. Now question number 12. Question number 12 is asking, an object has moved through distance, can it have a zero displacement? मतलब कि अगर एक कोई object कुछ distance cover कर रहा है तो क्या ऐसा possible है कि उसकी distance तो हो और displacement zero हो? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही क्या हो, सेम, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया हो वहीं आके ख़त्म हो, तो उससे डिस्टेंस तो कुछ पाई बट उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो. क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 हम कर चुके हैं बट उसको एक बार फिर से देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मा वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ था वो हम देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट की सही है. तो पहला पूछा है इट कैन नॉट बी जीरो, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम. दूसरा मतलब कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का नहीं. तो सेकेंड भी क्या होगी, रॉन्ग. तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही रॉन्ग.